Welcome back to our YouTube channel, guys. So this video is all about the amazing time जो मैं scuba diving किया था Thailand में अपने bachelor trip के लिए. So Pooja was not here, it was just me and my boys. हमने बहुत मज़े किए, ये हमारे instructors थे और ये मेरी boy gang. You know, ये Thailand का one of the most beautiful और remote island था. ऐसा नहीं कि हमने बस city में जाके किया. तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं बिफोर वी एक्चुअली गो इनटू स्कूबा डाइविंग. तो यही होता है कि फर्स्ट आधा एक घंटा आपको सब कुछ सिखाने में इंस्ट्रक्शन दो तरीके के होते हैं. एक तो जो बोट के ऊपर आपको सिखाते हैं, दूसरा आकर आपको पानी के अंदर लेके जाएंगे और ZNMD में जैसे कैटरीना कैफ ने सिखाया था वैसे ही हमें हमारे इंस्ट्रक्टर सिखाएंगे. तो अभी तो बस हम बस सीख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या क्या रिस्क होते हैं और अभी हमको एक एक इक्विपमेंट्स बता रहे हैं कि स्कूबा के लिए ये चाहिए वो चाहिए. एंड द बेस्ट पार्ट है इसमें आपको एक 15-20 मिनट के लिए सिखाते हैं फिर आपको फ्री छोड़ देते हैं. आपको जो भी करना है बोट में आप कर सकते हो. उसमें अपर डेक होता है, लोअर डेक होता है, आपको जहाँ बैठना है बैठ सकते हो. बस क्लासेस के पहले जब वो आपको नेक्स्ट पार्ट सिखाते हैं आपको सारे इक्विपमेंट्स के साथ वापस पहले फिट करते हैं. ये एक्चुअली बहुत हैवी होता है करके ना आपको ऐसे ही पहन नहीं सकते, आपको बैठ के सब रैप करके फिर मेहनत लगा के उठनी पड़ती है. अभी बस हम चले पानी के अंदर कूदने. और इसमें भी एक स्किल होता है, जैसे ही आप कूदोगे एक बार के लिए तो आप पूरा अंदर जाओगे बट ये जो आपकी ऑक्सीजन की सिलेंडर होती है ना इसमें इतनी हवा होती है कि आप ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाते हो. बट डर ज़रूर लगता है जिसको स्विमिंग नहीं आती है, बट आपको कोई डरने की बात नहीं है क्योंकि ये ऑक्सीजन आपको सीधा ऊपर लेके आ जाएगा. सो अभी एक एक करके हम सब पानी के अंदर कूदेंगे और देखेंगे कि ना कैसे होगा क्या होगा. ये बंदा मैं हूँ, कितना फास्ट, मतलब मुझे ना स्विमिंग बहुत अच्छे से आती है. एक्चुअली मैं एक नेशनल लेवल स्विमर था बट ये जो मेरे दोस्त ने कूदा ना वो इतना अंदर गया कि उसकी एक्चुअली फट गई थी. मतलब वो इतना डर चुका था हमारी डाइव के पहले ही. बट धीरे धीरे करके हम सब ट्रेनर्स वेनर्स जब पास में थे तो सब उसके भी कॉन्फिडेंस आ गए. ये हमारे ट्रेनर्स जो शो ऑफ कर रहे हैं. पर ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं चीज़ें क्या होती है. ये एक्चुअली जो आपको मैं बोल रहा था ना कि हमें सिखाते हैं अलग से, तो ये शोर लाइन के पास में होता है जो इतना डीप नहीं होता. तो वहाँ पर धीरे धीरे सिखाते हैं, वहाँ पर भी मछलियाँ होती है. ऐसे नहीं कि मछलियाँ सिर्फ अंदर जाने से होती है. तो ये जहाँ हम सीख रहे थे वहाँ का व्यू है. इतनी सारी मछलियाँ आपके आजू बाजू जाती है, सच में डर भी लगता है अगर आप पहली बार कर रहे हो. ये हमारा ZNMD शॉट, सच में आपके दोस्तों के साथ बैचलर में लोग पार्टी करने जाते हैं वो सब तो ठीक है, बट ये ऐसा एक एक्सपीरियंस है जो ना आज तक मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भूलूँगा या मेरे जो 4-5 दोस्त हमारे साथ थे. तो इसमें डिवाइड करके सिखाते हैं. हम 5 लोग थे तो 3 लोग आकर एक ट्रेनर के साथ सीख रहे थे और 2 लोग आकर एक ट्रेनर के साथ, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि पानी के अंदर हम बात तो नहीं कर सकते. तो अलग अलग साइंस से सिखाते हैं कि अगर आपको कुछ अनकंफर्टेबल है, आपको ऊपर आना है और कुछ भी करना है तो कैसे करना क्या करना. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जितना आपको लगता है ये ईजी है उतना एक्चुअली होता नहीं है. कर ज़रूर सकते हो बट ये बहुत हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपके ऊपर पहनाया हुआ रहता है. तो वो उसको पकड़ के उसको हैंडल करना वो एक टास्क होता है. और इसमें अलग अलग चीज़ें सिखाएंगे, जैसे क्या आप अगर 12-13 मीटर नीचे हो पानी के और सडनली आपको आपकी जो ऑक्सीजन पाइप है वो आपसे घूम जाती है तो आप क्या करोगे. तो उस टाइम में अगर आप पैनिक करोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्योंकि ऊपर आने को टाइम लग सकता है. तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको सब सिखाते हैं कि इस सिनेरियो में ऐसा क्या करना, इस सिनेरियो में ऐसा क्या करना. और ये सब ही वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और इस सब में टाइम भी लगता है. जैसे ये सिंबल है मतलब ऑल ओके. और ये जो नाक में हम बार बार प्रेस करते हैं ना ये एक्चुअली प्रेशर होता है. जैसे हम पानी के अंदर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता रहता है. तो ये हमें बार बार करनी पड़ती है वरना हमारे कान और सर में इतना प्रेशर बढ़ जाएगा कि हम कुछ भी नहीं सुन पाएंगे कर पाएंगे. ये तो हमारा सिर्फ फर्स्ट डाइव था, यहाँ पर हमने एक्चुअली ज़्यादा कुछ देखा नहीं. हमारे जो दूसरी डाइव है जो आपको अभी वीडियो में आगे दिखेगा उसमें हमने सच में ऐसा एक्सपीरियंस कभी हमारे लाइफ में नहीं किया. सो वो तो आप डेफिनेटली देखना.
पहले तो ऑब्वियसली हमें ट्रेन कर रहे हैं, तो हमारे पीछे ना इंस्ट्रक्टर ऐसे पकड़ के चलते हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, अगर कुछ भी हो तो वो एक बार में देख के हमें सिखा सकते हैं। और हमने एक्चुअली दो डाइव किया था, पहला वाला तो ठीक था, इतना कोई खास नहीं था, बट वहाँ पर ही हमने सब कुछ सीखा कैसे करते हैं क्या करते हैं। और अभी आगे जाके आप दूसरा डाइव देखोगे जहाँ पर हमने इतनी मछलियाँ देखी है, इतनी मछलियाँ देखी है, इतने कोरल्स देखे हैं। तो आप स्टे ट्यून करना, आप ध्यान से आप भी देखना, मज़े करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि हम ना बोट के ऊपर ड्रोन के शॉट्स भी लिए हैं, इतने सारे मस्त मस्त ब्यूटीफुल शॉट्स है, जिससे आपको थाईलैंड के ब्यूटी के बारे में मालूम पड़ेगा और यू नो अलग अलग चीज़ें क्या है वो भी देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून, आगे तक देखना। ये हमारा सेकेंड डाइव के बारे में, तो यहाँ पर आपको सारे अलग अलग कोरल्स दिखने वाले हैं। हम ऑलमोस्ट 12-13 मीटर के डेप्थ में हैं अभी, आई थिंक 15 मीटर होगा मेरे ध्यान से, उतना ही याद है मुझे। तो अभी आपको जो भी व्यूज़ मिलेंगे ये सब इसी सेकेंड डाइव का है। सो एन्जॉय करना और डोंट फॉरगेट हमें फॉलो करना अगर आप पहली बार देख रहे हो। दूसरा, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको ये कभी करना है आपके दोस्तों के साथ थाईलैंड जाकर, तो हम सारे डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में आपको भी शेयर कर देंगे ताकि आपको और आसानी हो। अगेन डोंट फॉरगेट कि आप लास्ट तक देखें और हमें फॉलो करना मत, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अभी एंजॉय करिए व्यूज़ एंड एंड में आपको ऑफिस मिलता हूँ। होप आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आया। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन।